ज़्यादा फालतू ट्रेन है क्या बोले, दिमाग खराब हो गया वेट करते करते ट्रेन का। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो गए। गाइस मैं तैयार हो गया हूँ और आज मुझे जाना है सूरत, और मेरी जो ट्रेन है वो 12:30 बजे की है और अभी बज रहे 11, तो मुझे सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। गाइस मैं आपको बता दूँ, ट्रेन से मैं काफ़ी टाइम के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि सूरत ज़्यादा दूर यहाँ से है नहीं। सूरत का डिस्टेंस यहाँ से 3 आवर्स का है क्योंकि मैं फास्ट ट्रेन से जा रहा हूँ। सो गाइस सोचा क्यों ना आप लोगों से बात करते करते सूरत भी पहुँच जाए। और गाइस मैं बोलना चाहूँगा कि मैं रिटर्न जो ट्रेन है ना वो भी आज रात को है, तो आज मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। चलिए गाइस कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिलते हैं, आप गाइस एक भी वीडियो मिस ना करें। चलिए कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर चलते हैं स्टेशन। गाइस ब्रेकफास्ट हो गया कम्प्लीट, देखिए मैंने अपना बैग भी ले लिया है। चलिए अब चलते हैं स्टेशन। दरवाज़ा कर लिया बंद, लिफ्ट के पास आ गए, अब लिफ्ट के अंदर भी आ चुके हैं। देखिए गाइस लिफ्ट के बाहर अब आ चुके, अब चलते हैं बिल्डिंग के गेट की तरफ और हमारी कैब भी उधर आ चुकी है। देखिए गाइस बिल्डिंग के बाहर आ चुके हैं और अब चलिए चलते हैं स्टेशन। देखिए गाइस ये बोरीवली स्टेशन है। गाइस फाइनली स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। देखिए गाइस मैं बोरीवली स्टेशन का अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ, काफ़ी रश है बिकॉज ऑफिस टाइम भी है अभी। गाइस हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आ रही है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ही चलते हैं। देखिए गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है और ये ट्रेन हिसार एक्सप्रेस है जो सुपर फास्ट ट्रेन है और सूरत हमको 3 घंटे में पहुँचाने वाली है। ये देखिए आंटी भी ट्रेन में चढ़ रहे हैं, इनके भी काफ़ी ज़्यादा सामान है तो सामान को साइड में करते हुए चढ़ रहे हैं। देखिए आप बाकी लोग भी देखिए अपने सीट पे चढ़ रहे हैं। यही नहीं अभी और सुनिए। फाइनली गाइस हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन हमारी हो गई स्टार्ट, तो चलिए चलते हैं सूरत। अभी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, सीट मेरा ऊपर का है तो ऊपर आ चुका हूँ, सबसे ऊपर बर्थ जो है वो मेरा है। रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊं। यह है ट्रेन की जर्नी, बहुत टाइम बाद ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ और सूरत पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से 3:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हाँ ये कर लो पहले। गाइस बस 2 मिनट में सूरत स्टेशन पहुँचने वाले हैं, तो मैं एकदम बैग पैक करके देखिए तैयार हो चुका हूँ, तो चलिए चलते हैं स्टेशन के बाहर। ठीक है गाइस देखिए ट्रेन के बाहर आ चुके हैं और सूरत स्टेशन का व्यू आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। देखिए बाकी लोग हैं जो भी सूरत स्टेशन पर उतर के अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तो चलिए हम भी चलते हैं स्टेशन से बाहर। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या। गाइस फाइनली सूरत स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारी मीटिंग जो है वो रिंग रोड में है, वहाँ पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, वहाँ पर हमें जाना है। तो चलिए चलते हैं बाहर, अभी स्टेशन से देखिए बाहर निकल रहे हैं। अभी यहाँ से रिक्शा लेंगे, फिर रिक्शा लेके चलेंगे रिंग रोड बार स्टेट बिल्डिंग। ठीक है गाइस रिक्शे में बैठ गया हूँ, अब चलिए चलते हैं रिंग रोड की तरफ। ये देखिए गाइस सूरत टेक्सटाइल मार्केट, ये सूरत का सबसे फेमस मार्केट है और भी बाकी मार्केट से सब आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। देखिए गाइस गाइस फाइनली मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंच चुका हूं। देखिए मैं बिल्डिंग का व्यू आपको बाहर से दिखा रहा हूं, यह है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, इसी के अंदर मेरी मीटिंग है। देखिए गाइस ये ब्रिज क्रॉस करके मुझे उस तरफ जाना है। ये देखिए गाइस मैं एम्पायर बिल्डिंग का व्यू फिर से आपको दिखा रहा हूँ नज़दीक से, यह है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, इसमें बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिस हैं। गाइस पहले एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुँच चुके हैं और मुझे 5th फ्लोर में जाना है, तो लिफ्ट के बाहर खड़े हैं, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। गाइस फाइनली 5th फ्लोर में आ चुके हैं, ये ऑफिस देखिए 501 में है। गाइस पहले ऑफिस में आ चुके हैं, चलिए मीटिंग कर लेते हैं। गाइस हमारा मीटिंग हो गया है ख़त्म और अभी जा रहे हैं एम्पायर स्टेट के नीचे, वे दूसरी मीटिंग में निकल रहे हैं। ठीक है और वो मीटिंग ख़त्म करने के बाद फिर चलेंगे स्टेशन, और ट्रेन हमारी जो है वो 11:30 बजे रात को है।
गाइज हमारी मीटिंग खत्म होने के बाद देखिए आ गए एमएम टी सेंटर में चाय पीने के लिए। ये टी सेंटर काफी फेमस है सूरत का गाइज, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे देखिए सिर्फ चाय कैसे मिलता है, आप लोग भी देख के दंग रह जाएंगे। देखिए गाइज कैसे चाय मिलता है। गाइज फाइनली सूरत स्टेशन आ चुके हैं और मैं आपको सूरत स्टेशन का बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए गाइज सूरत स्टेशन के अंदर देखिए ट्रेन भी बना हुआ है, सो ये काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को दिखाता हुआ चलूं। देख लीजिए गाइस ये सूरत स्टेशन का आउटसाइड व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफी खूबसूरत स्टेशन है गाइस। देखिए देखिए गाइस अब स्टेशन के अंदर हम आ चुके हैं, अभी हम अपने प्लेटफॉर्म की तरफ चलेंगे। ये देखिए ये भी व्यू देख लीजिए गाइस, फाइनली स्टेशन पहुँच चुके हैं और अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। अपनी ट्रेन जो आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली है, तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है वो 11:30 पे है, तो अभी बजने वाले 11, तो आधा घंटे पहले पहुंच चुके हैं। चलिए ट्रेन का वेट कर लेते हैं। घटिया ट्रेन है यार, क्या बोले यार, एक घंटा से वेट कर रहे हैं, एक घंटा से वेट करने पर जाके ट्रेन मेरी आई। क्या फालतू ट्रेन है, बता फालतू ट्रेन है, क्या बोले, दिमाग खराब हो गया है वेट करते करते ट्रेन का। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। गाइस फाइनली इतनी इंतजार के बाद ट्रेन हमारी आ गई। ये अवध एक्सप्रेस है ट्रेन, बहुत ही वाहियात और घटिया ट्रेन है। दिमाग ख़राब हो गया है कितना टाइम वेट करते 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 फाइनली ट्रेन में चढ़ चुके हैं। सहलेंगे थोड़ा सा, अब स्टेशन पहुंच के बात करेंगे। अभी मैं जा रहा हूं सोने, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया हूं। चलिए स्टेशन पहुंचते बोरीवली, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। गाइस फाइनली बोरीवली स्टेशन आ चुके हैं यार, नींद बहुत ज़ोर से आ रही है और ट्रेन में सही से सो भी नहीं पाया, तो चलिए चलते अपने घर, ठीक है। गाइस देखिए मैं आपको बोरीवली स्टेशन का व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए सुबह 3:14 का नज़ारा है। देखिए स्टेशन पे लोग आपको बहुत गिने चुने दिखेंगे। गाइस अब फाइनली अपने घर के लिए निकल चुके हैं और मुंबई में बारिश भी हो रही है काफ़ी तेज़, देखिए आप। गाइस फाइनली अपने बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं और अभी चलते हैं लिफ्ट की तरफ। काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, एक दिन में अप डाउन दोनों हो गया हमारा। गाइस फाइनली आ चुके हैं लिफ्ट में, इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया, क्या बोले, थक गया एकदम, नींद बहुत ज़ोर से आ रही है, नींद भी पूरी अच्छे से हो ही नहीं है। लिफ्ट से बाहर आ चुके हैं, अब चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। हालत ख़राब हो गया यार, मन कर रहा बस जाए और बेड के ऊपर जाके सो जाए, ये हालत है। हे गाइस फाइनली बैक होम और रात के बज रहे 4, सो मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। देखिए मैं बेडरूम में भी आ चुका हूँ, सो ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ। आप बताइएगा कमेंट में ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, गुड नाइट।